एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम ईशा है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विजन। दोस्तों, आज आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ ये लॉरियल का प्योर क्ले मास्क का रिव्यू, जो कि मैंने लिया है प्योर क्ले प्लस रेड एल्गी वाला। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। दोस्तों, ये जो फेस मास्क है वो मैंने खरीदा है नायका से। उस टाइम पे ऑफर चल रहा था तो मैंने इसको सिर्फ 500 रुपीज़ में ही परचेज किया है। इसका एक्चुअल प्राइस है 850 रुपीज़ में आप लोगों को मिलता है 48 ग्राम। तो लेकिन फ्रेंड्स, मुझे ये 500 रुपीज़ में पड़ा था, तब ऑफर चल रहा था। आप नायका की साइट को चेक करते रह सकते हैं, कभी कभी उसमें ऑफर चलता है। सारे जो लॉरियल के प्रोडक्ट हैं कभी कभी वो फ्लैट 500 रुपीज़ में ही दे देते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। और स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, ये मैंने नायका से खुद से परचेज किया है और नायका से मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज करने का, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो इसकी पैकेजिंग ऐसी है, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ से अंदर बॉटल दिखती है इसकी। तो फ्रेंड्स, इसके तीन टाइप के क्ले मास्क आते हैं। एक ये ग्रीन कलर का क्ले मास्क है, एक ये ब्लैक आई थिंक चारकोल फेस मास्क है, और ये एक रेड एल्गी का फेस मास्क है। तो मैंने ये रेड एल्गी वाला लिया है। ये क्लेम करता है कि ये डेड सेल्स को निकाल देता है और पोर्स को छोटा कर देता है, स्किन को पॉलिश्ड बनाता है, स्मूथ बनाता है। और इसके बाकी और थोड़े इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। दोस्तों, इस तरफ लिखा हुआ है कि ये फेस मास्क को अप्लाई करना है हफ्ते में 3 बार और 15 मिनट के लिए इसको फेस पे रखना है। तो दोस्तों, ये रहा इसका बॉटल, ग्लास का पैकिंग है। लॉरियल के प्रोडक्ट ज़्यादातर ग्लास की ही पैकिंग रहती है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ग्लास पैकिंग बहुत अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन ट्रैवलिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन ये इतना थिक और अच्छा क्वालिटी का ग्लास है, ये टूटने वाला तो नहीं है। पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। इसको मैंने 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये थोड़ा यू नो ब्राउनिश रेडिश कलर में है, थोड़ा कलर बहुत प्रिटी है। और इसके अंदर है ना, इसके मास्क के साथ थोड़ा सा नहीं स्क्रब का पार्टिकल है। तो जब फ्रेंड्स, आप सब जब लोग फेस मास्क निकालते हो तो थोड़ा सा यू नो स्क्रब करते हुए निकालना चाहिए उसको। तो सर्कुलर मोशन पे उसको यू नो थोड़ा स्क्रब करते हुए निकालना चाहिए। तो इसके इसमें स्क्रब के पार्टिकल भी है, तो साथ में आपकी स्किन स्क्रब भी हो जाएगी और फेस मास्क भी बहुत अच्छा है ये। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। दोस्तों, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फ्रेश और अच्छी लगी मुझे। तो मैं अभी इस हाथ पे इस फेस पैक को लगा के देखूंगी, तो देखते हैं कैसा आता है इसका इफेक्ट। इस पे आपको पानी वानी कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्रीम जैसा ही है, क्रीम जैसा ही आपको अप्लाई करना है। तो मैंने इतना सा क्वांटिटी लिया है और ये मैंने इसको अप्लाई कर दिया और ये मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी ली हूँ और उसके बाद भी ये इतना अच्छे से फैल गया है और हाथ पे लग गया है। और देखिए, मैं एकदम पास से आपको दिखाती हूँ, आई होप आप देख पा रहे हो। इसमें ये देखिए स्क्रब के पार्टिकल है, एकदम माइल्ड स्क्रब है। तो ऐसा नहीं है कि स्क्रब करते टाइम आपको कुछ हार्श वगैरह लगेगा, बहुत माइल्ड पार्टिकल है। तो गाइज, इसको मैंने लगा लिया है अभी, तो इसके सूखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, अभी इस फेस पैक को मैंने 15 मिनट रख लिया है, देखिए ये सूख गया है।
अभी मैं इसको वॉश करूंगी। वॉश करने से पहले मैं थोड़े पानी से यू नो सर्कुलर मोशन में इसको थोड़ा स्क्रब करूंगी। तो थोड़ा सा पानी ले लीजिए और उसको स्क्रब कीजिए। दोस्तों 2 से 3 मिनट तक मैं इसको स्क्रब करूंगी और फिर वॉश करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने अपने हाथ को वॉश कर लिया। ये वाले हाथ को मैंने वो फेस पैक लगाया था और आप फर्क देखिए, ये थोड़ा ब्राइट लग रहा है, ग्लो भी कर रहा है देखिए, और बहुत स्मूथ लग रहा है। ये थोड़ा ड्राई लग रहा है देखिए, पैची और ड्राई लग रहा है, ये बहुत स्मूथ लग रहा है। तो डेफिनेटली ये फेस पैक स्मूथ ज़रूर कर देगा आपके फेस को और पोर्स को थोड़ा छोटा ज़रूर करेगा, क्योंकि अच्छा फेस पैक है और स्क्रब के वजह से थोड़ा सॉफ्ट हो गया है ये। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये फेस पैक, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं। ये फेस पैक आई थिंक सारे स्किन टाइप को सूट हो जाएगा, लेकिन ड्राई स्किन वालों को बहुत ज़्यादा ये सूट होगा, क्योंकि बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है। ऑयली स्किन वाले भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं ड्राई स्किन वालों को ज़रूर रिकमेंड करूंगी ये वाला फेस पैक, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फेस पैक है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू ये लॉरियल का क्ले मास्क के ऊपर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं और इसी के साथ मैं अपना ये रिव्यू ख़त्म करती हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे अच्छा लगेगा। और आपके सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिए। और दोस्तों आप मेरा चैनल जब देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना नाम बताइए और आप कौन से शहर से हैं ये बताइए, मुझे जानने में बहुत खुशी होगी। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय।